नमस्कार दोस्तों दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन अध्याय का ये हमारा अंतिम वीडियो है और इस भाग में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन हैं जो निरंतर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए हैं, तो उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ व गैर सरकारी संगठन के बारे में जानेंगे। तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, IMF। पेपर में कई बार IMF पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि IMF की फुल फॉर्म क्या है, तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी तथा इसका जो मुख्यालय हेड ऑफिस Washington DC में है अमेरिका में। यह संस्था अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखती है तथा यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक व तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है तथा मांगे जाने पर वित्तीय व तकनीकी सहायता मुहैया कराती है। इस संगठन में दोस्तों 2016 तक 189 देश शामिल थे, और परंतु IMF के जो सदस्य हैं हर सदस्य की राय का वज़न जो है वो बराबर नहीं है। इस संगठन के जो अग्रणी 10 सदस्य हैं उनके पास 52% से अधिक मत हैं, और ये जो 10 सदस्य हैं इनमें से 8 सदस्य G8 के सदस्य हैं तथा 2 सदस्य चीन व सऊदी अरब है। G8 के सदस्य देश आप जानते होंगे, मैं बता देती हूँ आपको, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा और रूस। और इस संगठन में दोस्तों अकेले अमेरिका जो है उसी के पास 16.75% मताधिकार हैं, तो इस संगठन पर जो है वो मजबूत और ताकतवर देशों का दबदबा है। ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोगो है। तो इसके बाद दोस्तों हम जो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना भी 1944 में हुई थी तथा ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है, परंतु ज़्यादातर ये जो अपना ऋण और अनुदान देता है वो स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी कि अल्प विकसित देश हैं उनको देता है, और इन देशों को ये ऋण चुकाने भी नहीं पड़ते। यह बैंक शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण, सुरक्षा, सड़क, शहरी विकास व बिजली आदि के क्षेत्रों में काम करता है। तो जो विश्व बैंक का लोगो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये विश्व बैंक का लोगो है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों ये संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी तथा ये जो संगठन है यह वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान में इसके सदस्य देश जो हैं वो 164 है। ये जो संगठन है ये गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। इसके फैसले सभी सदस्य देशों की सहमति से लिए जाते हैं, परंतु इस देश पर भी अमेरिका, यूरोपीय संघ व जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों का जो है वो दबदबा है, और वो विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब होते हैं जिससे कि उनके हित सदें। तो इसमें वर्तमान 164 सदस्य हैं। 14 जुलाई 2016 को लाइबेरिया जो था वो इसका 163वां सदस्य बना था तथा 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान जो है इसका 164वां सदस्य बना है। और इसका भी मैं आपको लोगो दिखा देती हूँ, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। इसके बाद हम इस अगले जो है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर बात कर लेते हैं, यह है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और ये संगठन जो है वो परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इसका जो लोगो है
वो भी ये है। और इस पे मैंने क्वेश्चन देखा है, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये लोगो जो है वो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का है, तो IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यह है MNST इंटरनेशनल। दोस्तों यह एक स्वयंसेवी संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1961 में ब्रिटेन इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों यह जो संगठन है वो पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। इसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने व हर तरह से मानव अधिकारों के लिए लड़ना है। और इसके साथ साथ ये संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्टें तैयार करता है तथा इनमें वह इन रिपोर्टों में वह सरकारों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों का जिक्र करता है। ये रिपोर्ट मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान भी करते हैं। तो इसका भी मैं आपको लोगो दिखाती हूँ, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का लोगो है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है ह्यूमन राइट्स वॉच। इसकी स्थापना जो है वो 1978 को न्यूयॉर्क में हुई थी, न्यूयॉर्क अमेरिका में, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह संगठन भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला जो है अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है। यह समस्त विश्व में मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की तरफ खींचता है तथा इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन निर्माण में सहायता की है। इसने बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए अभियान चलाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने में भी सहायता की है। ह्यूमन राइट्स वॉच, ये इसका लोगो है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये युद्ध और आंतरिक हिंसा के क्षेत्र में सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी है वो युद्ध या आंतरिक हिंसा के दौरान जो पीड़ित होते हैं उनकी सहायता करने का प्रयास करती है तथा ये जो संस्था है वो युद्ध में घायल लोगों और आकस्मिक दुर्घटनाओं व आपातकाल में भी मदद करती है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1863 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये संस्था जो है वो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी मदद करती है। इसका जो है हम लोगों देख लेते हैं, ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी प्लस का साइन जो होता है रेड कलर से। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस फाउंडेशन है ये और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस फाउंडेशन की स्थापना विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो फाउंडेशन है जो पर्यावरण को लेकर काम करती है। इसका भी लोगों हम देख लेते हैं, ग्रीन पीस। तो दोस्तों यहाँ से एक नंबर या दो नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जितने भी आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़े हैं या गैर सरकारी संगठन पढ़े हैं, या तो इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी या फिर इनके उद्देश्य के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो एक या दो नंबर से ज़्यादा बड़ा आपको आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने यहाँ पर आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करी है, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं समझ के, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल पॉलिटिकल साइंस 100% को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।